हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम राजपूती पोशाक पर गोटा पत्ती हैंड एम्ब्रॉयडरी करना सीखेंगे, यानी कि हम राजपूती पोशाक पर गोटे से वर्क करेंगे। ये हमारी ड्रेस हमने सिल ली है साटन के कपड़े पर, और सिल्क के कपड़े पर आप सिल सकते हो और उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। ये देखिए, हमने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए फ्लावर्स लिए हैं। इसे आप चाहो तो घर पर भी बना सकते हो, मैंने घर पर बनाया है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक सबसे पतली गोटे की लेस आती है, वो लेनी है। और ये आधा इंच वाली गोटे की लेस ली है, और ये तुरई ली है ओढ़नी पर लगाने के लिए। ये ड्रेस हम छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे पतली गोटे की लेस है वो लगाएंगे। उसके बाद ये दो तीन लाइन हम इसकी चौड़े वाले गोटे की लेस लगाएंगे, और फिर ऊपर की ओर ये पतली वाली गोटे की लेस और सारी कलियों पर लगाएंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से अलग तरीके से लगा सकते हो। गोटा लगाने के लिए हमें मशीन की जो स्टिच है वो बड़ी कर लेनी है, नॉर्मल स्टिच से 1 इंच ज़्यादा, ताकि जो हमारा गोटा है वो कटे ना। अगर आपने बारीक स्टिच से लगाया तो आपके गोटा फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और गोटा कट भी सकता है। ये एकदम पतला है तो हम इसे एक ही सिलाई से लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से पीछे से पकड़ते हुए लगाना है। अब दूसरी वाली लाइन लगाएंगे तो पहले आपको इसके साइड की ओर मार्क कर लेना है, उसके बाद लगाना है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम लगाएंगे आधा इंच वाली गोटे की लेस। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगी, और आपकी ड्रेस काफ़ी कम दाम में रेडी हो जाएगी। ये जो गोटे की लेस हम लगा रहे हैं लगभग 10 से 15 रुपए में आती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाली सिलाई लगा देंगे ऊपर की ओर। मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखा रही हूँ, पूरी लहंगे पर इसी तरीके से लगाना है। उसके बाद एक लाइन और यहाँ पर लगानी है, थोड़ी सी जगह हम रखेंगे। देखिए, हमने सबसे पतली और फिर तीन लाइन ये चौड़े वाले गोटे की लगाई है। अब ऊपर की ओर हमें एक और लाइन लगानी है सबसे पतली वाली गोटे के लिए इसकी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, सारी कलियों पर लंबाई में जहाँ पर भी कलियों की सिलाई है वहाँ पर ये लेस लगा देंगे, ताकि नीचे की तरफ ये जहाँ पर ख़त्म होती है उसके ऊपर की ओर एक लाइन और आ जाए, एक लेस और आ जाए, ताकि जो इसके धागे हैं बाहर की ओर ना आए और फिनिशिंग अच्छी आ जाए। गोटे को पीछे से पकड़ते हुए लगाइएगा। इसमें हम सारा काम मशीन से ही करने वाले हैं। फ्लावर्स भी हम मशीन से ही लगाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए लगा रहे हैं तो वो हाथ की सिलाई निकल सकती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। सारी कलियों पर इसी तरीके से हमें गोटा लगा लेना है। ये देखिए, हमने सारी कलियों पर लगा रहा है, कैसा लुक आ रहा है इसका। अब यहाँ पर हम ये सबसे पतली जो गोटे की लेस है एक लाइन और लगा देंगे, ताकि जो ये कलियों पर हमने गोटा लगाया है इसका एंड इसके ऊपर की ओर आ जाए और यहाँ से धागे बाहर की ओर ना आए। फिनिशिंग एकदम अच्छी रहनी चाहिए। गोटे को हल्का सा खींचते हुए भी रख सकते हो आप। ये हमारा गोटे का सारा काम खत्म हो गया। अब हमें ये फ्लावर्स लगाने हैं यहाँ पर। ये फ्लावर्स भी आपको 1 या 2 रुपए में मिल जाएंगे, 1 रुपए का एक या फिर 2 रुपए का एक आसानी से मिल जाएगा। और चाहो तो घर पर भी बना सकते हो, बहुत ही ईजी है इन्हें बनाना। अब जिस तरीके से ये शेप है उसी शेप में हम इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। गोटे का जब आप वर्क करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मशीन की नीडल है वो एकदम नई होनी चाहिए। अगर आपके ख़राब सुई लगाई तो आपका गोटा ख़राब हो जाएगा। तो पहले या तो आप चाहो तो चौक से मार्क कर सकते हो कहाँ कहाँ पर आपको लगाने हैं। मैं यहाँ पर एक कली में 3 फूल लगाऊंगी। आप चाहो तो ज़्यादा भी लगा सकते हो और कम भी लगा सकते हो। गोटे को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इससे पहले भी मैंने आपके साथ गोटे से एम्ब्रॉयडरी करने के वीडियो शेयर किए थे। और अगर आप इस ड्रेस की कटिंग और सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने पहले अपलोड कर दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारी कलियों पर हमने इस तरीके से फ्लावर्स लगा लेने हैं। अब हमारा जंपर पर शुरू होता है वर्क करना, तो पहले हम गले पर लगाएंगे जो सबसे पतली गोटे की लेस है वो लगाएंगे। चौड़ी वाली नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें सलवटें आ जाएगी। इसीलिए देखिए, जिस शेप में ये गला है उसी शेप में रखिए जंपर को और उसे हल्का हल्का सा घुमाते जाइए। इसे यहाँ पर बिल्कुल भी खींचना नहीं है, अगर आपने खींच लिया तो आपका गला पूरा बिगड़ सकता है। इसलिए हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ते हैं, जिस शेप में ये है उसी शेप में लगा लीजिए। गले पर हम 2 से 3 लाइन लगा लेंगे। 2 लाइन काफ़ी है, ज़्यादा लगाएंगे तो सही से सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गोले ज़्यादा हैं।
फर्स्ट में इसे कट करते हुए फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह रखते हुए एक लाइन और लगा देंगे। एकदम आराम से लगाइएगा। अगर आपको यहाँ पर पसंद नहीं है या दिक्कत आ रही है तो आप ना भी लगाएं। ये देखिए हमने दो लाइन लगा ली है, थोड़ा सा हाथ से इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए। अब हम स्लीव्स पर भी लगा लेते हैं। स्लीव्स पर हम पतली वाली लेस नहीं लगाएंगे, छोटी स्लीव्स या बच्ची की ड्रेस है तो यहाँ पर हम एक लाइन या गोटे की लगा देंगे और एक या दो फ्लावर लगा देंगे। देखिए जो मगजी लगा रखी है उसे आधा इंच ऊपर की ओर ही लगाइएगा और यहाँ सेंटर में एक फ्लावर लगा दीजिए। इन फ्लावर्स पर आप चाहो तो मोती भी लगा सकते हो या फिर कुंदन चिपका भी सकते हो। फ्लावर जिस शेप में है उसी शेप में आपको सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव्स पर सेम वर्क कर लीजिए। उसके बाद चाक पर हम वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम दो तीन लाइन लगाएंगे। सबसे पहले तो ये पतली वाली गोटे की लेस लगानी है। कोना अच्छे से बनाना है। ये देखिए इस तरीके से नीडल को अंदर डालते हुए जंपर को इस तरफ घुमा लीजिए। कोने पर गोलाई नहीं रहनी चाहिए, कोना अच्छे से बनाना है। सिर्फ आगे वाली चाक पर ही बनाना है तो दोनों जो साइड की सिलाई है वहाँ तक लगा दीजिए। ठीक है, अब इसके पास में हम पतली वाली गोटे की लेस लगाएंगे, नहीं सॉरी चौड़ी गोटे की जो लेस है आधा इंच वाली वो लगा लेंगे। यहाँ पर भी देखिए नीडल को अंदर की ओर डालिए और जंपर को इस तरफ घुमा लीजिए। जगह बराबर रखिएगा दोनों के बीच, दोनों जो लेस है हमारी उनके बीच, और एक सिलाई और लगा लीजिएगा साइड की। वर्क करते वक्त जंपर को पीछे से पकड़ते हुए रखेगा वरना इसमें सिलवटें आ जाएगी। ये देखिए कोने को अच्छे से फोल्ड करना है, एकदम नुकीला कोना बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहे तो पतली वाले गोटे की लेस और लगा सकते हैं। बस अब इतनी ही लेस लगाएंगे। अब हम फ्लावर्स लगा देते हैं बीच में। पहले आप चौक से मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा वरना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुर्ती में देखिए तीन फ्लावर्स लगाएंगे। आप चाहो तो और भी ज़्यादा लगा सकते हो, नीचे तीन, उसके ऊपर दो, उसके ऊपर एक, इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगेगा। आप ये वर्क करें तो लेस और गोटे का जो कलर है वो मैचिंग कलर का होना चाहिए, अलग अलग कलर का ना लें। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने जंपर को और लहंगे को तो रेडी कर ही लिया है। अब हम ओढ़नी रेडी कर लेते हैं। मशीन से सारा काम फटाफट हो जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये हमारा लहंगा और ये इसके साथ का जंपर है, दोनों एकदम अच्छे से रेडी हैं। अब हम ओढ़नी बना लेते हैं। ओढ़नी बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो नॉर्मल दुपट्टा होता है उसका यूज लेना है। इसका साइज लगभग 2 मीटर होता है। इसके ऊपर सबसे पहले साइड में ये लगाएंगे हम चौड़ी वाली गोटे के लिए, पतली वाली गोटे के लिए और तुर्री और दो तीन फ्लावर्स लगा देंगे। यहाँ पर देखिए किनारे पर लगानी है हमें सबसे पहले गोटे की लेस। ये भी हम मशीन से स्टार्ट करेंगे। देखिए गोटा लगाने के लिए हमें क्या करना है, पहले गोटे को फोल्ड करके
उसे हाथ से प्रेस कर लीजिए ताकि वो एकदम बराबर सा दब जाए, वरना एक तरफ सिलाई लग जाती है और एक तरफ रह जाती है, इसलिए पहले इसे बराबर फोल्ड कर लेना है डबल। उसके बाद इसके अंदर की ओर ओढ़नी डालनी है और सिलाई लगा देनी है। बहुत ही इजीली लग जाएगा और फटाफट हो जाएगा हमारा काम। ये वही लेस है जो हमने लहंगे पर लगाई थी। यहाँ कोना बनाने के लिए देखिए, कोना आए उससे थोड़ा सा पहले रोक देना है, फिर निडल को अंदर की ओर डालते हैं। सेम वही प्रोसेस है, इसे इस तरफ घुमा लेना है और फिर देखिए फुट को बाहर की ओर निकालते हैं। यहाँ कोने पर थोड़ी सी चुन्नट ले लीजिए, छोटी सी, बहुत छोटी सी, और फिर इस तरफ घुमाते हुए वापस से स्टार्ट कर दीजिए लगाना, एकदम कोना अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, इन टिप्स के साथ अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही इजीली और फटाफट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखिए ये पतली वाली गोटे की लेस लगाई है और ये आधा इंच वाली जो गोटे की लेस है जो हमने किनारे पर बॉर्डर पर लगाई है वो लगा ली है, और जो फ्रंट की तरफ रहता है पल्ला जंपर पर वहाँ पर तीन फ्लावर्स लगाए। आप चाहो तो पूरी ओढ़नी पर फ्लावर्स लगा सकते हो। अब हम ये तुरी लगा लेते हैं, इसकी उल्टी और सीधी साइड का आप ध्यान रखिएगा। जो पल्ला ऊपर की ओर आता है फ्रंट की तरफ जंपर के ऊपर, उस पल्ले पर हमें पूरी तुरी लगानी है, उस पल्ले पर पूरी लंबाई में, और जो फ्रंट की तरफ रहता है पल्ला लहंगे पर उसमें हमें जितनी हमारी लहंगे की लेंथ है उतनी ही लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। ये सिलाई देखिए आप, गोटे पर जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर लगानी है, नीचे की तरफ रखना है इसलिए इसको, ठीक है। और ये दूसरी वाली जो साइड का पल्ला है, दो साइड में तुरी लगाते हैं, तो जो नीचे की तरफ रहेगा लहंगे पर उसमें आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग लगानी है। ये हम इतनी लगा देंगे, उसके बाद हमारा लहंगा और ओढ़नी पूरी रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारा पूरा लहंगा स्टिच होने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। आपको ये लहंगा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ का ये जंपर और साथ में हमारी ओढ़नी भी रेडी है। आप चाहो तो ओढ़नी को और ज़्यादा हैवी बना सकते हो और इसमें फ्लावर्स लगा के, और फ्लावर्स के ऊपर आप कुंदन भी लगा सकते हो, और भी अच्छी हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।